के 10 साल के आदित्य राजेश सिंह दुनिया के सबसे कम उम्र के पीएचडी धारक बन गए हैं। उन्हें ये डिग्री पर्यावरण और योग के क्षेत्र में मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए ने 25 फरवरी 2024 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में दी। आदित्य राजे रायपुर में दिल्ली पब्लिक स्कूल में कक्षा 4वीं में पढ़ते हैं। वे 5 साल की उम्र से पर्यावरण, योग और जागरूकता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आदित्य का पर्यावरण मित्र, प्राइड ऑफ इंडिया, इंडियन आइकन सहित 8 से ज्यादा सम्मान मिल चुके हैं। तो 4वीं क्लास में पढ़ते हैं आदित्य राजे और कई सारी चीजें इनके द्वारा की गई और इन्हें सम्मानित भी कई सारे अवार्ड से किया जा चुका है। 10 साल के आदित्य राजे हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे कम उम्र में पीएचडी धारक वो बन गए हैं। उन्हें ये डिग्री पर्यावरण और योग के क्षेत्र में मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, होनहार बच्चा 10 साल का और वो भी दुनिया के सबसे कम उम्र में पीएचडी करने वाला, आपके साथ है, बातचीत करिए, जानिए कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या कुछ जहन में रहा, इतनी छोटी उम्र में ऐसे विचार कैसे आए, बात करिए। जी बिल्कुल, देखिए, होनहार बिनवार के होत चिकने पात, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी। और सबसे पहले हम आदित्य के पास बात करेंगे ही, लेकिन उनके पापा हैं, उनसे बात करेंगे, बताएंगे प्रतिभा कब पता चली और सबसे कम उम्र के पीएचडी होल्डर हुए हैं ये। जी, जब ये 4 साढ़े 4 साल के थे तो मेरी माता जी के साथ ये गार्डनिंग करते थे, और जब 1 वर्ष हो गया, 5 साढ़े 5 साल की आयु तक पहुँचे, तो फिर देखा गया कि ये खुद भी गार्डनिंग करना है, पापा मुझे प्लांट लगाना है, या पापा ये मिट्टी कैसे होता है, और बहुत सारी जानकारियाँ लेने लगे हम लोगों से। तो मैंने देखा कि इनमें वो चीज़ें आ रही है अंदर से, तो हम लोगों ने उस समय इनको सपोर्ट किया। इन्होंने जो भी क्वेश्चन किया, इनकी बड़ी दीदी जो है क्लास 12th में है, उन्होंने भी इनको बहुत सारा चीज़ों पर बताया कि कैसे क्या होता है पर्यावरण, इन्वायरमेंट, और फिर धीरे धीरे इनका रुचि उस तरफ जाता गया। समय कम है, आप बच्चे से, होनहार बच्चे से बात करने की कोशिश करिए। माता जी जो थी वो हमारे शादी से पहले, बिल्कुल मैं बात करता हूँ। बताइए आदित्य, छोटे बच्चे आपके जो दोस्त हैं वो अमूमन पढ़ाई करते हैं, आपने पीएचडी करने की कैसे सोची अचानक? देखिए, मैं एनवायरमेंट पे लगातार काम कर रहा था, तो मुझे पिछले 1 साल से मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसने मुझे पीएचडी दी है अभी, उनका कंटिन्यूसली कॉल आता था और फीडबैक लेते थे, तो उससे मेरे से क्वेश्चन पूछ पूछ के उनने कॉल करके मुझे बताया कि आपको पीएचडी मिल रही है। ठीक युगल, आप लगातार बातचीत जारी रखिएगा, इसी बीच कुछ खास तस्वीरें वो भी दर्शकों को दिखा